आज हम बनाएंगे कोलकाता की ट्रेडिशनल रेसिपी प्याज और चिंगड़ी। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, बहुत टेस्टी तैयार होता है बनकर के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 750 ग्राम चिंगड़ी यानी झींगा को फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये छील छाल करके आधा हो जाता है। तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल करके हमने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। तो इसे मैं निकाल लूँगी और यही तेल में हमने 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंग डाल करके हम इसे थोड़ा सा खुशबू आने तक भून लेंगे। और इसमें मैं 100 ग्राम प्याज अभी डाल रही हूँ, बाकी का प्याज हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा प्याज अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और थोड़ी सी हमने इसमें पानी डाल दी है और अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैं मिर्ची ली हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची पाउडर ऐड कीजिए। 1/2 छोटा चम्मच हमने भुना हुआ जीरा का पाउडर और 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। इसे हमने मिक्स करना है और 3-4 मिनट पहले इसे हमने भून लिए थे। अब इसमें हमने टमाटर डाले हैं और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि चिंगड़ी में भी हमने नमक डाला था। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और मसाले को हम बहुत अच्छी तरीके से भून लिए हैं। देखिए तेल सेपरेट हो गया है और भूनते भूनते बीच में हमने 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला भी इसमें ऐड कर दी थी। और इसमें अब मैं ये झींगा डाल रही हूँ यानी चिंगड़ी, प्रॉन्स बहुत सारे नामों से जाना जाते हैं, आपके इलाके में इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। 2-3 मिनट चिंगड़ी भुनने के बाद में हमने इसमें डाल दिया है प्याज। ये 1/2 किलो प्याज मैं ऊपर से डाल रही हूँ, यानी जितना झींगा था उतना ही हमने प्याज लिया था। 3 पाव झींगा था, 3 पाव ही हमने प्याज लिया था। बचे प्याज को हमने एकदम धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए हमने यहाँ पर पकाए हैं। और ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है, प्याज को जलाना नहीं है यहाँ पर। इससे एक मीठा मीठा सा टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा और प्याज का हल्का सा क्रंच भी आता है। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाले हैं और इसे ढक कर के हमने 6 से 7 मिनट के लिए पकाएँ। तेल ऊपर आ गया है तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये जो सालन है प्याज और चिंगड़ी का, ये चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी चीज़ के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, ट्राई जरूर।